सुमित जी, आप जब भरोसा सेल में आए, देखिए ये एक भाईंदर वेस्ट में एक भरोसा सेल खोला गया है पुलिस जिसको जो जिसपे जो है पूरी तरह से गाइडलाइन अतुल कुलकर्णी सर का है, आईपीएस अतुल कुलकर्णी सर का है। यहाँ जब आप आए, यहाँ का जो माहौल देख रहे हो और यहाँ से जो आपको मदद मिली, वो किस तरह की मदद मिली, क्या सोचते हो? सर मुझे भरोसा पे भरोसा था, इसलिए मैं भरोसा सेल पे आया और मुझे काफ़ी अच्छी मदद मिली। मिस्टर कैप्टन सर, मिस्टर अतुल जी, जिनका से मैंने नाम सुना था, आज मिला तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं जिस स्थिति से गुजर रहा था तो मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे साथ कभी भी कोई भी आदमी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। मेरा पूरा ट्रस्ट खत्म हो गया था, हर किसी आदमी पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता था। मैं मेरे दिल दिमाग में ऐसा बैठ गया था। लेकिन जब मैंने सर से मिला और अतुल कुलकर्णी सर से मिला, तब उनसे मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, उन्होंने जो किया है अच्छा किया है। मेरे को मेरे ऊपर अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने लगा और मैं धीरे धीरे जिस मैं खो गया था वो पूरी चीज़ें मेरी बॉडी से निकलती गई। आपके साथ हुआ क्या था? एक्चुअली क्या हुआ था सर कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनसे मैं मिला, वो बोले कहीं चलते हैं पार्टी करने के लिए, तो मैं उनके साथ पार्टी करने के लिए कहीं मीरा रोड में एक जगह पे गया। उधर ऑलरेडी वहाँ पे वो सब ड्रग्स और ये सब चालू था और मैंने लाइफ में पहली बार कभी ड्रग्स नहीं लिया, ये फर्स्ट टाइम मैं उधर गया। मैं दो बार गया उधर, फर्स्ट टाइम गया तब हमने सिर्फ ऑनली ड्रिंक किया। वो बोले ये मंगाओ, मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा करके मैंने जितना भी था 4-5 हज़ार रुपया वो तुम्हारा लिए ड्रिंक मंगा दिया, वो भी पिया। और मैं दारू पीता नहीं हूँ, एक साल हो गया मैंने हाथ तक नहीं लगाया। बोले आप मेरा मेडिकल करा दो, कुछ भी करा दो, उसमें नहीं मिलेगा। तो भी उस दिन तो हम कैसे भी करके वहाँ से 11:30-12 बजे निकल गए। मैं, मेरा फ्रेंड था और 2-3 लड़कियाँ थी, फिर हम तो वहाँ से निकल गए। वो सब एडिक्ट थे उस चीज़ के। फिर वहाँ से निकले, फिर मैंने अपने फ्रेंड दूसरे फ्रेंड्स को बताया मैं ऐसा ऐसा वहाँ पे चल रहा था, तो उनको भी लगा चल यार कुछ मजा करके आते हैं, मैं ऐसे भी ट्रेस में है थोड़ा अपन एन्जॉय करके। मैंने सबको बोला लिमिट में रहना। तो हम लोग उधर गए, जाते ही मुझे वही की बोला कि यार उस दिन तो तूने बोला था तू मंगाया नहीं, तो मैंने चल आज मैं मंगा लेता हूँ। तो उन्होंने किसी को बुलाया, मंगाया, मैंने उसको पैसा दिया, आके मंगाया। मैंने मेरा वही सिस्टम था, रेडबुल मंगाया, मैं मेरा रेडबुल ही पी रहा था। बाकी सब मेरे सब फ्रेंड्स थे वो ड्रिंक कर रहे थे, 2-3 फ्रेंड थे वो ड्रिंक कर रहे थे। बाद में अचानक वो आया, घिसा किया, फिर हमको शायद उस नाश्ते में कुछ दिया कि क्या दिया, जिससे हमको भी बैग गए, हम लोग बैग गए। बोले ये चीज़ क्या है, ट्राई करनी चाहिए। तो मेरे 2-3 फ्रेंड ने ट्राई की, बाकी क्या ट्राई किया? वो शायद मैथ थी, उसको क्या बोल सकते हैं, एफेड्रिन, एमडी ड्रग्स आपने ट्राई? हाँ, उनके कहने पे ट्राई किया। शायद पहले मुझे कुछ खिलाया था इसलिए मुझे लगा कि ये ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने उसको ट्राई किया। हम सुबह 11-12 बजे तक उसको ट्राई करते रहे, रात को 12 बजे तक ट्राई करते रहे। फिर बोले कि हम खाना खाने बाद चलते हैं। फिर हम खाना खाने बोले दो 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 करके उतरते गए। वहाँ पे मेरा गाड़ी दोस्त चला रहा था, उसको पुलिस वाले ने भी पकड़ा। मेरे साथ एक लड़की थी, मेरे फ्रेंड के साथ लड़की थी, हम दोनों रुके हुए थे। मैं बोला यार मेरा तो खाने खाने की इच्छा नहीं, पर इधर रुक जाते। बोलता नहीं, बोले नहीं यार, मैं क्या, फिर मेरा दोस्त बोला नहीं अच्छा लगेगा चलते। वो हमको मालूम पड़ा, वो पकड़े थे। मेरा दोस्त बोला मैं टॉयलेट करके आता हूँ, हम तीनों नीचे उतरे, दो लड़की और मैं, हम रिक्शे में बैठे, मेरा उनको पकड़ लिया, अपन आगे चले जाते। मैं उधर आगे चला गया और दोस्त को फ़ोन किया, पुलिस वाले ने उनको पकड़ लिया, तुम लोग इधर आ जाओ, तू फंस जाएगा। फिर वो उसकी कोई फ्रेंड का फ़ोन आया, हमको पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, तुम आके छुड़ाओ। तो वो उसका नाम अंजलि था, वो गई उधर और उनको छुड़ाया। जब तक मेरा दोस्त आ गया, मैं भाई इधर से निकल जा बेफालतू, अपन लोचे में आएंगे। लेकिन उस गाड़ी में मेरा एक फ्रेंड भी बैठा था, मैं बोला देख अभी वो जाएगा अपन उसमें आएंगे तो दूसरे दिन अपन करेंगे। एमडी ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या हुआ? एमडी ड्रग्स के नशे में आप कब तक रहे? जैसे कि आपने रात में एमडी ड्रग्स लिया, उसके बाद आपको क्या उसका इफेक्ट रहा? मैं सुबह 9 बजे तक एमडी ड्रग्स लेता रहा। मेरे को इतना ओवर हो गया था कि मेरे तो फर्स्ट टाइम था और उसने मेरे दिमाग में ऐसा असर कर दिया कि मुझे हर जगह आदमी सखी लगने लगा कि आदमी मुझे मारना चाहता है, मेरी प्रॉपर्टी के लिए या किसी के लिए भी, मेरे अपनी फैमिली तक के भी ब्लेम। यानी एमडी ड्रग्स लेने के बाद जैसे जैसे लेते गए आप और लेते गए और लेते गए और आपका दिमाग जो है एकदम एक बहम जैसा पैदा हो गया और आपको अपने चारों सराउंडिंग में जो है लोग गलत ही नज़र लगा, जो भी मिलता था मुझे गलत ही लगने लगा। किसी से भी मिलूं मुझे ऐसा लगता है ये मानना चाहता है मुझे, यहाँ तक कि मेरी फैमिली के ऊपर भी मेरा भरोसा उठ गया, सबके ऊपर उठ गया। लेकिन मुझे पूरा सपोर्ट मिला मेरी फैमिली का, जिन्होंने मेरे लिए इतने भागे मेहनत की। यानी ऐसे मामले में जब आप जो है इस एमडी ड्रग्स के शिकार हो गए थे तो आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट मिला इस चीज़ से बाहर निकालने में। और दूसरा, भरोसा वालों ने मुझे पूरा भरोसा के साथ यहाँ पे अभी व्यवस्थित खड़ा किया है। इन लोगों का पूरी मेहरबानी है कि इन लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए। सर की काउंसलिंग जिससे मुझे इफेक्ट पड़ा, पहले तो मैं डर रहा था सर से भी कि सर आएंगे इंजेक्शन देंगे और मुझे चले जाएंगे, लेकिन सर ने जो मेरे से बातें की अच्छी, उससे मेरा दिल में जो था वो पूरा एकदम और स्ट्रांग होते गए। तो क्या आप अभी उस नशे से बाहर हैं, इन सब की मदद के बाद, फैमिली की मदद के बाद उस नशे से बाहर हैं? मैं कम से कम 95% मुझे लग रहा है कि मैं उस नशे से बाहर आ गया हूँ। आप
आप एक नौजवान हैं, बिल्कुल नौजवान हैं सुमित जी, आप ऐसे अपने जैसे नौजवानों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कुछ दोस्तों के बहकावे में आकर के, जो दोस्त पहले से नशा कर रहे होते उनके बहकावे में आकर के इस तरह का कदम उठा लेते हैं? सर, मैं तो सबको एक ही सलाह देना चाहता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हो, कोई और हो, और समाज इतना बड़ा है, मैं सबको एक ही सलाह देना चाहता हूँ, इस चीज़ से दूर रहे। ये अच्छे अच्छे परिवार ख़त्म कर देती है, कुछ छंद लोग अपने स्वार्थ के लिए आपकी लाइफ पूरी ख़राब कर देंगे। और मैं सबको यही सलाह देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को जितना हो सके दूर रहे, और किसी को भी कुछ भी मालूम पड़े कि ये अवैध कार्य कहीं हो रहा है तो उसकी जानकारी भरोसा सेल को दे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा आपने अपने दोस्तों के साथ बैठ करके ड्रिंक भी किया? मैंने नहीं, ड्रिंक मतलब आपने ड्रिंक नहीं किया, लेकिन ड्रिंक करना तो एक तरह से चलो ठीक है अगर कोई ड्रिंक कर लेता है, लेकिन अगर ड्रिंक से एक कदम आगे जाता है, जैसे ड्रग्स लेता है, खास करके MD ड्रग्स, कोकीन, अगर ये सब लेता है तो ये आपको अनकॉन्शियस कर देता है इमीडिएट इफेक्ट में, और आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप शक्की हो जाते हो, और आप लोगों को मतलब हर किसी को शक्की नज़र से देखते हो, और आपके मन में जो आता है वही करते हो, बिकॉज आप होश में नहीं रहते हो। आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है? ऐसा ही हुआ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। उसमें ऐसा लगता है कि कोई अपनी बात काटे तो अपन को लगता है कि वो गलत है, अपन को अगर ज़्यादा अपने सामने बोले, अपने सामने कोई फ़ोन उठाए तो अपन को ऐसा लग रहा है नहीं ये सब गलत हो रहा है, अपने साथ गेम हो रहा है, मतलब वो अपन कॉन्शियस में रहते नहीं है। अब क्या आप रिसेंट में आपने ड्रग्स लिया है, आप पहले कभी ड्रग्स नहीं लिया आपने, तो क्या एक बार MD ड्रग्स लेने के बाद बार बार लेने का मन करता है? सर, मैं तो इस चीज़ से करता है कि नहीं करता मुझे मालूम नहीं, मैं इस चीज़ से इतना डर गया क्योंकि मेरे को तो कोई पानी देवे तो मैं नहीं पीऊँ, अपने पैसों से लेके पीऊँ, कि मुझे इतना डर बैठ गया है क्योंकि वापस मुझे किसी ने पिला दी तो मैं पागल हो जाऊँगा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब ये ड्रग्स लेने का मन करता है? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं, आपका मन नहीं करता है, लेकिन अमूमन आपने बोला कि आपने सारी रात ड्रग्स ली, जब आप एक बार ड्रग्स लेते हो तो बार बार लेने का मन करता है। उसमें ऐसा रहता है उस टाइम जब हम ले रहे हैं, और अगर उस टाइम उनको ऐसा लगता है कंटिन्यू मिलती रहे, अगर एक बार अपन उससे दूर हो गए और तो अपनी मतलब अगर अपने ओवर किया तो अपन को लगेगा कि भाग जाओ, जो मेरा बॉडी बोल रहा है, मेरा बॉडी बोल रहा है। अगर मेरे को आदत होती हर दिन थोड़ा थोड़ा लेता था मैं, तो मैं शायद एडिक्ट हो जाता था उस चीज़ का। यानी मानते हैं आप कि अगर थोड़ा थोड़ा अगर लिया जाता था उसको तो आप एक दिन उसके एडिक्ट हो जाते थे, और फिर आप अपनी मर्जी मन मर्जी करते थे। मैं फिर वो उसमें ही रहता था, वो जो लोग चाहते थे ना मैं वैसे ही कदम उठाता था, फिर उसको मुझे बीवी बच्चे फैमिली समाज उससे कोई मतलब नहीं रहता था कि वो इतना मेरे को पकड़ लेता था। लेकिन क्या है कि मैंने एक ही दिन में इतना ओवर ले लिया कि मेरा मतलब मैं पागल होते थे बचाओ, मतलब आप ये मानते हैं कि सुसाइड करने तक का सोच लिया था कि भेजो कोई नहीं है मेरा, मैं भी सुसाइड कर लूँ सिर्फ उस ड्रग्स के नशे में। लेकिन बार बार मेरे छोटे वाले बच्चे का चेहरा सामने आता था, पापा मत जाओ, तो मैं वापस आता था भाग भाग के, मैं 4 बार घर से भागा हूँ और सुबह 6 बजे आके घर पे आता था। कितना टाइम हुआ इस चीज को पूरा? चीज को 3 दिन चले मेरे को, 3 दिन तक तो मैं हेल्थ कॉन्शियस, कुछ खाना नहीं खा पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, होटल में जाके सो रहा हूँ, होटल में भी डर लगता है कि मुझे साथ कुछ कर रहे तो नहीं कर रहे, मतलब ऐसा हो गया था कोई नाश्ता दे रहा है तो मैं नाश्ता देके भाग रहा हूँ, रिक्शे वाले को देख के भाग रहा हूँ, पान वाले को देख के भाग रहा हूँ, मतलब साले ये कुछ मेरे साथ गलत कर रहे हैं। आपने ये ड्रग्स कितने दिन पहले लिया था? ये मैंने ड्रग्स आज कितना 4 दिन, 4 दिन पहले लिया था। 4 दिन में आपकी ये हालत हो गई कि आप 4 दिन में सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे थे, सुसाइड टेंडेंसी आ गई थी? मंडे को लिया था आपने? संडे को मेरे को छुट्टी थी, नहीं मैंने ये ड्रग्स संडे को रात को लिया था, मंडे को सुबह 9 बजे तक रहा, 9 बजे मुझे ऑफिस जाना था, इस चक्कर में मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया और मेरा पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। उसके बाद भी उन लोगों ने मुझे मजबूर किया था कि तू काम कर, अपन बाहर जाते हैं, अपन बाहर भी एंजॉय करेंगे, लेकिन मेरे को उसी टाइम लग गया था कि ये मेरे लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं इतना डर गया था तो मैं कैसे भी करके बोला हाँ जाता हूँ, घर से पैसा लेके आता हूँ, ऐसे ऐसे करके मेरे दोस्त को मैं लेके वहाँ से भागा। तो आप मानते हैं कि गलत दोस्तों के संगत में कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी जो उनके बातों में आ जाते हैं और ट्राई करने के चक्कर में एक बार ड्रग्स लेते हैं, 2 बार लेते हैं और फिर वो एडिक्टेड हो जाते हैं? मैं नहीं होता और कोई दूसरा होता, अगर उसने थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू 5-6 दिन अगर उसका ट्राई किया होता तो 110% वो एडिक्ट हो जाता था, और किसी को बाजू वाले को भी मालूम नहीं पड़ता था कि वो ड्रग्स ले रहा है। तब आप यहाँ नहीं होते थे, आप अपने उन दोस्तों के साथ ड्रग्स के मजे कर रहे होते थे और समाज में बुराइयाँ फैला रहे हो, बुराइयाँ फैला रहा था, और मैं भी और 4 लोगों को उसमें इन्वॉल्व करता और बिगाड़ता था, लेकिन भगवान करे कि मेरे में वो सद्बुद्धि आई और इन लोगों ने मुझे ज़्यादा ही दे दिया, जिससे मेरा वो माइंड का जो सिस्टम बिगड़ गया और शायद मेरा विल पावर भी अच्छा रहेगा, मैंने कुछ पुण्य किए रहेंगे मेरे फैमिली ने मेरे, इस वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ और आपको 2 चीज़ बोल रहा हूँ, और मैं सभी नौजवान से यही बोल रहा हूँ ये चीज़ बहुत गंदी है, इससे दूर रहो।
वरना अपनी पूरी लाइफ खराब हो। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। दोस्तों ये थे सुमित जैन, जो पिछले हफ्ते यानी बताया जा सकता है कि पाँच दिन पहले इन्होंने दोस्तों के साथ, दोस्तों बुरे दोस्त हम ऐसे बोलेंगे कि अगर कोई दोस्त किसी को नशा करने के लिए बोल रहा है तो वो अच्छे दोस्त नहीं होंगे, अगर कोई नशा नहीं करता है तो उसको नशा करने के लिए नहीं मतलब मजबूर नहीं किया जाना चाहिए किसी भी तरह से। तो कुछ बुरे दोस्तों ने इनको मजबूर कर दिया, मैं ये बोलूँगा कि नशा करने के लिए। इन्होंने उनके कहने पर MD जैसा नामक खतरनाक ड्रग्स लिया, और उस ड्रग्स का ऐसा है कि जब वो लेते गए तो उनको और लेते हो गया, और उसका असर ये पड़ा कि ये अपनी फैमिली में सबको भूल गए, अपनी फैमिली वाले इनको दुश्मन नजर आने लगे, दोस्त नजर आने लगे दुश्मन। ये तो इनका इन्होंने यहाँ तक कि इन्होंने सुसाइड करने, इनके दिमाग में सुसाइड टेंडेंसी भी आ गया था। ये तो इनका मतलब इनका नसीब है कि ये किसी ना किसी तरह से पुलिस के पास मदद करके पहुंचे, पुलिस के बाद मदद पहुंचने के बाद वो भरोसा सेल जो IPS अतुल कुलकर्णी ने ऐसे ही लोगों के लिए शुरुआत की है जो कोई पीड़ित है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद इनको इन सारे चीज़ों से निकलने में मदद मिली। अब ये 95% उसकी चपेट से बाहर हैं। आई होप सो आगे चल करके वो पूरी तरह से 100% सही हो जाएंगे। और आपसे हमारा सिटी हेडलाइंस न्यूज के जरिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि ऐसे दोस्तों से बचे, जो दोस्त आप जो काम नहीं करते हो उसको करने के लिए अगर आपको मजबूर कर रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। जैसे कोई नशा नहीं करता है, कोई दोस्त नशा नहीं करता है, और वो अगर किसी पार्टी में बैठा है तो उस दोस्त को एटलीस्ट आप नशा करने के लिए मत ऑफर करें। जोश में इसमें आ करके वो दोस्त जो है नशा कर लेता है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है और परिवार को भुगतना पड़ता है। ये तो सुमित जैन इससे 5 दिन के अंदर निकल पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसकी चपेट में आने वाले लोग इतनी जल्दी निकल पाते होंगे।